प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति भारतीय संविधान के खंड 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक भारतीय संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी सम्मिलित है। कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। भारतीय सदन शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, जो मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री के सहयोग एवं सलाह के कार्य को संपलित करता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री ही है। औपचारिक प्रधान होने के कारण हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक सत्ता नहीं दी है, अपितु उनके पद को गरिमा से युक्त बनाया है। वह राज्य का शक्तिशाली शासन होने के बजाय भारतीय राज्य की एकता एवं अखंडता के प्रतीक है। उनकी स्थिति भले ही वैधानिक अध्यक्ष की है, फिर भी शासन में उनका पद एक धुरी के समान है, जो संकट के समय संवैधानिक तंत्र को संतुलित कर सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मत है कि समुचित संवैधानिक प्रबंधनों के उपरांत भी भारतीय राष्ट्रपति का पद उनके संवैधानिक एवं राजनीतिक दायित्व तथा राजनीतिक संस्था के रूप में उनकी भूमिका भी वाद विवाद का विषय बनी हुई है। जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी का काम करता है। वह राष्ट्रपति एवं सदन के बीच भी एक कड़ी का काम करता है। इस संदर्भ में भारत का परंपरा थी कि प्रधानमंत्री प्रत्येक सप्ताह राष्ट्रपति से भेंट करने राष्ट्रपति भवन जाया करते थे। इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में पुनः वापसी के पश्चात राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच उत्पन्न कुछ अंतर्विरोध के कारण यह परंपरा समाप्त हो गई। सन 1987 में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर संविधान जो लोकतंत्र के साथ जुड़ी परंपराओं का के उल्लंघन का आरोप लगाया। राजीव गांधी ने इस आरोप का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री का यह दायित्व होगा कि वह सरकारी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को केवल अपनी स्वीकृति देनी होती है। राजीव गांधी का यह तर्क संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 78 का उल्लंघन माना जा सकता है, क्योंकि इसमें कर्तव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि राष्ट्रपति को शासन संबंधी कार्यों की सूचना दे, उससे मिलकर सलाह मशवरा करे। 42वें एवं 44वें संविधान संशोधन के साथ भी भारत में पूर्व की परंपरा लिखित संविधान का भाग बन गई। इस संशोधन के फलस्वरूप राष्ट्रपति के विशेष अधिकारी यो का क्षेत्र सम्मिलित हो गया। अनुच्छेद 74(1) स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रिमंडल से सलाह पर सामान्य या अन्य प्रकार से एक बार पुनः विचार करने के लिए कह सकते हैं, तथा उनके पश्चात वह उस सलाह को संवैधानिक रूप से मान्य विवक्ष है। सन 1950 से 2019 तक के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों का इस सिलेक्शन से यह ज्ञात होता है कि दोनों की वास्तविक स्थिति काफ़ी हद तक उनके व्यक्तित्व, तत्कालीन परिस्थिति तथा शासन में उनकी स्थिति पर निर्भर करती है। यदि राष्ट्रपति प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी है तो वह मंत्रिमंडल के निर्णय को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है, किंतु यदि उसके मुकाबले प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली है, जैसे कि राज्यज्ञ विद्वानों का मत है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने राष्ट्रपति
फर्रुद्दीन अली अहमद तथा ज्ञानी जेल सिंह एक हस्तार करने की मशीन सिंगिंग मशीन ही बनकर रह जाते हैं। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि सत्तासीन दल या गठबंधन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समयत इस कारण दोनों के बीच परस्पर समस्या बनी रहती है। भारतीय राजनीति के गठन के इस दौर में दोनों के संबंधों को उजागरण किया गया है। प्रधानमंत्री दल सदन सदनीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। बहुमत दल का नेता होने के कारण उसे अन्य राजनीतिक अर्थात विपक्षी नेताओं के साथ वैचारिक विभिन्नता तथा प्रधानमंत्री होने के कारण स्वभावतः शासनीय दबाव का सामना करना पड़ता है। सदन के पलट पर प्रस्तुत किए जाने वाले विधायक प्रस्ताव एवं वार्षिक जट को निर्धारित करने में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। इसी तरह प्रश्नकाल विश्वास मत प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव इत्यादि के समय प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका और सत्ताधारी दोनों की भूमिकाओं में प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। किसी भी प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष के आरोप एवं आलोचनाओं का सामना करना कठिन कार्य होता है। प्रधानमंत्री की भूमिका नित्यान में उसे अपने स्वयं के दल सहयोगी एवं विपक्षी दलों के सदस्यों संदों की क्षेत्रीय तथा व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी करना पड़ता है। लोकसभा के अध्यक्ष के साथ मिलकर बैठकों की कार्य सूची तैयार करने तथा सदन में व्यवस्था स्थापित करने में भी प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अनुसार प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने की अनुयासा राष्ट्रपति से कर सकता है और आम चुनाव की मांग करता है। प्रधानमंत्री के पास यह एक ऐसा हथियार है जिससे वह लोकसभा के सदस्यों को डरा धमका सकता है और लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर प्रधानमंत्री को मर्यादित कर सकती है। प्रधानमंत्री अपने दल का घोषित तथा घोषित सर्वमान्य नेता होता है। आम चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है। वह उम्मीदवारों के चयन का अधिकार रखता है। दल के सदस्य प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ही राजनीतिक गतिविधियों निश्चित करते हैं। दल के कार्यक्रमों को उसका समर्थन प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री की संपूर्ण शक्ति इस बात पर आधारित है कि वह अपने दल में महत्वपूर्ण स्थान दलीय नेतृत्व को समक्ष तथा दल के बहुमत का समर्थन प्राप्त कर सकने समक्ष है या नहीं। यदि उसका दल सदन में अपना बहुमत खो देता है अथवा उसके विरुद्ध विद्रोह कर दे तो उसकी समस्त सत्ता शून्य हो जाती है। सदनीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के बाद से भारत में दलीय व्यवस्था एवं कार्यपालिका के संबंधों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि प्रधानमंत्री की भूमिका भारतीय राजनीतिक पद्धति का दीर्घकालीन विवादपूर्ण विषय रहा है। दल की स्थिति भूमिका तथा प्रधानमंत्री से उसके संबंधों को संविधान में भी परिभाषित कर उसे स्पष्ट नहीं किया गया है। यह अतिरिक्त संवैधानिक संरचना के रूप में परंपराओं राजनीतिक आवश्यकताओं एवं परिस्थितिवंश विकसित
एवं परिभाषित किए जाते रहे हैं। कभी ये विवाद सरकार तथा दल के दोनों प्रमुख को प्रधानमंत्री बमन दलीय अध्यक्ष के मध्य खुलकर मीडिया के माध्यम से सामने आते रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में दल की शक्ति सरकार के हाथों केंद्रित थी, किंतु उनकी मृत्यु के उपरांत स्थिति बदल गई। अब तक व्यवहारिक रूप में दलीय अध्यक्ष का चुनाव प्रधानमंत्री करते हैं, किंतु पंडित नेहरू की मृत्यु के उपरांत दल के अध्यक्ष कामराज ने प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी के विभाजन के पश्चात कांग्रेस पार्टी पर इंदिरा गांधी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। सन 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब जनता दल की सरकार बनी तो दल के अध्यक्ष चंद्रशेखर अपनी संवैधानिक शक्तियों और अधिकारों के प्रति सघन नजर आते हैं। जनता दल के अल्पकालीन शासन के पश्चात 1980 में इंदिरा गांधी उन विशाल बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनी और दल अध्यक्ष का पद उसी प्रकार पुनः प्रभावहीन हो गया जैसे 1971 के बाद हुआ था। उनकी मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री एवं दल के अध्यक्ष बने। दल में संचालन में उनकी भूमिका निहित रही। राजीव गांधी के साथ बने प्रधानमंत्री अपने दल पर मजबूत पकड़ के अभाव एवं गठबंधनीय अल्पकालीन सरकार के दौर में शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में नहीं उभर सके। 2004 की यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जनाधार नहीं होने की वजह से दल एवं अन्य विषयों पर दल अध्यक्ष का दबदबा दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर 2014 में एनडीए की बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दल एवं अन्य विषयों पर प्रत्यक्ष दबदबा दिखाई देता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की भूमिका दल में उसकी स्थिति एवं करिश्माई व्यक्तित्व चुनावी भूमिका एवं जनता के समर्थन पर निर्भर करता है। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी तथा नरेंद्र मोदी इन्हीं विशेषताओं के आधार पर अपने दल एवं राष्ट्रीय में एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई दिए, जिसका अन्य प्रधानमंत्रियों में अभाव रहा। प्रधानमंत्री तथा गठबंधन राजनीति का युग। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था गठबंधन के दौर से गुजरी रही है। भारत गठबंधन की राजनीति की शुरुआत एक क्रमिक विकास प्रक्रिया रही है और अभी भी विकासशील है। बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की राजनीति ने एक नया रूप प्रदान किया है, जिससे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य भी प्रभावित हुए हैं। सन 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस गठबंधन की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी। इस समय मंत्रिमंडल में गुटबंदी के कारण प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एवं चरण सिंह के नेतृत्व को प्रत्यक्ष चुनौती का सामना करना पड़ा और अंत उनकी कुर्सी उनके हाथ से निकल गई। सन 1979 के बाद से किसी दल को आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण गठबंधन की राजनीति ने राष्ट्रीय दलों के महत्व को कमजोर किया। 1986 के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए दोनों गठबंधन सरकारों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर ही दिखाई दी। संवैधानिक प्रबंधनों के अनुसार तो मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं, परंतु वास्तविकता में प्रधानमंत्री की नियुक्ति गठबंधन में सम्मिलित विभिन्न दलों के अध्यक्ष अपने हितानुसार करते हैं। इस स्थिति में
प्रधानमंत्री सदैव भयभीत और कमजोर दिखाई देता है। गठबंधन में शामिल पार्टियां अपने और पार्टी हितों के अनुसार प्रधानमंत्री से फैसले करवाने में सफल रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चंद्रशेखर, आई के गुर्जाल, एच डी देवगौड़ा, पी वी नरसिम्हा राव जैसे व्यक्तित्व अपने दल की दुर्बलता के कारण दुर्बल प्रधानमंत्री की छवि के रूप में भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में दर्ज है। वहीं दूसरी तरफ दलीय बहुमत के कारण दल एवं जनता पर अपनी मजबूत पकड़ के कारण राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री ने मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार संभाला एवं कार्यकाल चलाया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सदनीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की स्थिति गठबंधन सरकार में उसके व्यक्तित्व एवं जनता के साथ उसकी सीधे संबंधों पर निर्भर कराती है। निरकस प्रधानमंत्री की सत्ता सीमित है, लेकिन वह एक तानाशाह की तरह आचरण नहीं कर सकता। वह संवैधानिक नियमों कानूनों के अनुसार प्रतिबंधों के अधीन रहकर ही कार्य करता है। इन प्रतिबंधों की अवहेलना करने पर उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। लोकमत की जवाबदेहिता लोकमत के बहुमत का प्रतिबंध सभी मंत्रियों द्वारा अंकुश दलीय प्रतिबंध विभिन्न राज्यों में विरोधियों पार्टियों की सरकार राज्यों की मुख्यमंत्रियों का दबाव गठबंधन में सम्मिलित दलों का दबाव राष्ट्रपति का परामर्श बहुदलीय व्यवस्था विरोधी दल स्वतंत्र न्यायपालिका एवं निरकस चुनाव आयोग के रहते हुए भारत का कोई भी प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं बन सकता। वे संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर ही अपनी शक्तियों को उपयोग कर सकते हैं। उपरांत चर्चाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पद है। प्रधानमंत्री की स्थिति उसके व्यक्तित्व पर आने दल में प्राप्त स्थिति, देश की राजनीति में प्राप्त उसके दल की स्थिति एवं तत्कालीन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राप्त सफलता एवं असफलता पर अधिक निर्भर होती है। भारत में प्रधानमंत्री द्वारा तानाशाहपूर्ण ढंग से कार्य करने की संभावना बहुत कम है। सन 1977 के लोकसभा चुनाव में अधिनायकवादी इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी भी प्रधानमंत्री की सत्ता का आधार बस यही है कि वह राष्ट्र की कितनी सेवा कर सकता है। विगत वर्षों के संवैधानिक सदनीय इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री अपनी असीमित शक्तियों के पश्चात भी जनमत के विरुद्ध निरंकुश शासन नहीं बन सकता। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री के कार्यों एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। बताया था आपको भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये भी बता दिया आपको प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल के बीच संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। यह आपको अपनी तरफ से लिखना होगा। आपको इसका मटेरियल दे दिया, देख लेना बुक। भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों पर आलोचना समीक्षा कीजिए। मंत्रिपरिषद की संरचना, शक्ति एवं कार्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। प्रधानमंत्री की दल एवं सदन में भूमिका का अध्ययन कीजिए। गठबंधन राजनीति के दौर में प्रधानमंत्री की भूमिका पर निबंध लिखिए। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।